नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों अभी फार्मा सेक्टर में काफी तेजी देखने मिला है, भयंकर तेजी है। तो दोस्तों ऐसे में चाहता है हर इन्वेस्टर और हर ट्रेडर कि कौन से फार्मा स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिससे हमें अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त हो। तो आज हम ऐसे ही फार्मा स्टॉक्स आपको बताएंगे जो इसमें आप अभी इन्वेस्ट करके काफी बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर के 10 स्टॉक्स हम आपको बताएंगे, आपको इसके जो 5 स्टॉक सबसे अच्छे लगेंगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस 10 स्टॉक में 5 सबसे बेहतरीन स्टॉक्स कौन से लगते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो फार्मा सेक्टर के सबसे टॉप 4 स्टॉक्स हैं उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसको हर कोई जानता है। जो आप सन फार्मा जानते हैं, सिप्ला जानते हैं, लुपिन जानते हैं, तो इन सब स्टॉक्स को मैंने शामिल नहीं किया है। मतलब 3 स्टॉक बताया डॉक्टर रेड्डी, 4 स्टॉक्स हो गया। तो ये 4 जो स्टॉक्स है टॉप क्लास के, इसको मैंने शामिल नहीं किया है। तो और जो अभी सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने मिल रहा है, जो अपने 5 ईयर्स के लेवल्स को क्रॉस कर रहा है, मतलब 5 ईयर्स का जो तेजी है, मतलब 5 ईयर्स में जो हाई बनाया था पीछे उसको क्रॉस कर रहा है, ऐसे ऐसे स्टॉक को मैंने शामिल किया है जो 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 3 महीने से 4 महीने में। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो अभी आप जान ही रहे कि सबसे ज्यादा जो न्यूज में है लुरुच लैब है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो 10 times बढ़ा है। प्रॉफिट जो है 10 times बढ़ा है। 10 times कोई छोटा मोटा नहीं होता है। प्रॉफिट में एकाएक 10 times का जंप हो तो निश्चित है उस कंपनी के स्टॉक काफी तेजी से भागेंगे। तो देख सकते हैं इसमें 20% की तेजी देखने मिलता है एक एक दिन में इस स्टॉक में। तो पहला हो गया लुरुच लैब, और इसका अगर रिटर्न देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन है। आप जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें गिरावट आया था, इसमें काफ़ी कम गिरावट आया था, वहां से देखिएगा तो ये स्टॉक्स 194% का रिटर्न दे चुका है। रिटर्न देने में इससे भी कई सारे बेहतर स्टॉक्स है जो इससे ज़्यादा रिटर्न दी है, लेकिन इसमें अब जो तेजी होगा जो आपने देखा इसका रिजल्ट जो है वो 10 times प्रॉफिट में है, तो आप इसमें आपको काफ़ी और तेजी देखने मिल सकती है। तो इसलिए ये पहले नंबर पर हमने रखा है, क्योंकि और कई सारे स्टॉक हैं जो 300-400% तक का रिटर्न दिए हैं। तो ये भी स्टॉक्स कम नहीं है, ये भी 200 के अप्रॉक्स है जो कि रिटर्न दिया है जो पैंडेमिक सिचुएशन था वहां से गिरावट के बाद। अगर दोस्तों हम बात करें 5 ईयर्स में रिटर्न की बात, तो ये स्टॉक्स 2016 में लिस्ट ही हुआ है और वहां से इसमें काफी ज्यादा नीचे गिरावट देखने मिला था, और उसमें अब जो है ये पैंडेमिक सिचुएशन के बाद काफी तेजी इस स्टॉक में आया है। तो ज्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, लिस्टिंग भी नया है। उसके बाद अगला है हमारा इप्का लेबोरेटरीज, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। इसमें अगर आप तेजी की बात करें तो इसमें गिरावट तो आपको दिखेगा ही नहीं, देख सकते हैं गिरावट आपको दिखेगा ही नहीं, गिरावट बहुत ही कम हुआ था, गिरावट होता बहुत ही कम। और ये स्टॉक देखेगा तो 51% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये स्टॉक का चार्ट देखेगा इतना बेहतरीन है कि कोई पैंडेमिक आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए कोई पैंडेमिक आया था, इसमें गिरावट भी आया था, 1 ईयर में 97% का रिटर्न, तो ये भी काफी 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी आपको काफी बेहतरीन देखेगा। सारे फार्मा स्टॉक अंडर परफॉर्म दिखेंगे, लेकिन ये स्टॉक्स आपको अंडर परफॉर्म नहीं दिखेंगे। देख सकते हैं इस स्टॉक का चार्ट कितना बेहतरीन है। तो ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है, देखते हैं आप, काफी बेहतरीन रिटर्न। तो दोस्तों जबकि अभी फार्मा स्टॉक्स में और तेजी देखने मिला है, तो तेजी में तो ये भी स्टॉक देखते हैं एक दिन में 7% अप है, मतलब जो इन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है और ज्यादा बेहतर रिटर्न अब प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब तो फार्मा सेक्टर में तेजी आ चुका है जो कि अगले 1 साल 2 साल 3 साल तक कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है जिसमें आपको लुरुच लैब से भी ज्यादा तेजी देखने मिल रहा था वो है ग्रेनुलेज इंडिया। इसमें अब थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, देखते हैं काफी करेक्शन हो रहा है, 300 के पार हो चुका था ये स्टॉक और अब 5 days से इसमें करेक्शन हो रहा है। देखते हैं 304 rupees, मतलब ये 300 के पार हो चुका था, वहां से करेक्शन इसमें देखने मिल रहा है। आप देखिएगा एक मंथ में तो काफी बेहतरीन रिटर्न, अगर आप 1 year में देखिएगा तो इसमें भी पैंडेमिक का कुछ खास असर नहीं, यहाँ पर पैंडेमिक में गिरावट तो आया लेकिन रिकवरी देखिएगा तो काफी फास्ट हुआ। और यहां से गिरावट से अगर बात करें तो 1 state मतलब ऊपर की ओर डायरेक्ट 151% तक का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने, तो ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। 5 years की चार्ट की बात करें तो 2017 से देख सकते हैं काफी बेहतरीन देख सकते हैं। अगर मैक्सिमम ईयर में चार्ट की बात करें, मैक्सिमम ईयर में तो ये स्टॉक्स भी काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है, काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, देखते हैं 7000% का रिटर्न दिया है, मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। उसके बाद अगला है हमारा आरती ड्रग्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, इसका भी रिटर्न देखिएगा 5 days में तो आपको कुछ खास नहीं दिख रहा है, 1 month में देखिएगा तो देखते हैं काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, 1 month में 35% का रिटर्न।
अगर आप बात करें पैंडेमिक में, तो पैंडेमिक का कुछ खास असर इस पर नहीं, तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था पैंडेमिक का, लेकिन जो मार्च में गिरावट आया था वहाँ से ये 272% का रिटर्न दे चुका है। अब बात करते हैं मैक्सिमम ईयर के चार्ट का, तो मैक्सिमम ईयर में तो आप देख ही सकते हैं कितना बेहतरीन चार्ट है, मैक्सिमम ईयर में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है मैक्सिमम ईयर में। अगर हम बात करें यहाँ से 2009 से लेकर अभी तक में, तो 9,957%, मतलब 10,000 के अप्रॉक्स मात्र 10 ईयर्स में 10,000% का रिटर्न, जबकि ये बीच में काफ़ी सालों तक अंडर परफॉर्म रहा है फार्मा सेक्टर, तो ये भी बेहतरीन स्टॉक है। और इसमें जो ब्रेकआउट है देख सकते हैं, ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पर लगाइएगा तो ये ब्रेकआउट सीधा आपको ऊपर की ओर पिलर की तरह खड़ा दिखेगा इस स्टॉक में। उसके बाद जो अगला स्टॉक है हमारा IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी वन दिन में देख सकते हैं 4.61% तेज है, और वन मंथ में देखिएगा तो भी देख सकते हैं वन मंथ में भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, सिक्स मंथ में देखिएगा तो भी आपको बेहतरीन रिटर्न, सिक्स मंथ में देख लीजिए 361% का रिटर्न, ईयर टिल डेट में देखिएगा तो इसमें तो पैंडमिक में थोड़ा सा गिरावट आया, पैंडमिक का कोई असर ही नहीं है, वन ईयर में देखिएगा तो वन ईयर में देख सकते हैं एक साल में आपको देख लीजिए 313% का रिटर्न, तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न है। मैक्सिमम ईयर करते हैं तो मैक्सिमम ईयर में तो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है मैक्सिमम ईयर में। चलिए 2013 से मात्र अभी तक में देख लेते हैं 3,112% का रिटर्न, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स 2012 के आसपास इससे ही 2011 से इसका यहाँ पर डाटा दिखा रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। उसके बाद अगला स्टॉक्स जिसमें हम मैं भी आपको इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है ये कंपनी बनाती है, और फिर से जो अमेरिका है उसमें डिमांड, यूएसए में डिमांड इसका बढ़ रहा है, तो ऐसे में जैसे डिमांड बढ़ता है तो फिर से इस स्टॉक में तेज़ी आपको बना रह सकता है। ऐसे भी आप देखते हैं 6.66% का तेज़ी, 390 रुपया पर यह स्टॉक पहुंच चुका है, काफ़ी ये स्टॉक, इस स्टॉक पर काफ़ी वीडियो पहले भी हमारा आ चुका है, ये स्टॉक्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेकर काफ़ी चर्चा में था, अगर सिक्स मंथ में देखिएगा तो 49% का रिटर्न। अगर आप बात करें पैंडमिक का तो यहाँ देखते हैं पैंडमिक थोड़ी सी गिरावट आया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी तेज़ी इस स्टॉक में आया, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्च में जो गिरावट आया वहाँ से अभी तक मैं स्टॉक में 60% से एभव का तेज़ी आ चुका है। 5 ईयर्स में देखिए तो अभी भी स्टॉक्स काफ़ी डाउन है। मैक्सिमम की चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ स्टॉक देखते हैं 500 से ऊपर का हुआ करता था, काफ़ी मतलब अंडर परफॉर्म रहा है कई सालों से। अगर मैक्सिमम ईयर में रिटर्न की बात करें तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को मैक्सिमम ईयर में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। उसके बाद अरविंदो फार्मा ये भी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी न्यूज़ बेस्ड इस स्टॉक में भी मोमेंटम देखने मिला है। अगर देखिएगा यहाँ से गिरावट जो आया था पैंडमिक में वहाँ से स्टॉक में कितना तेज़ी आया है, 197% का रिटर्न, 200% का रिटर्न आ चुका है इस स्टॉक में। अगर हम बात करें मैक्सिमम ईयर का तो ये भी देख सकते हैं चार्ट कितना बेहतरीन है, देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सालों के लिए ये हमारा 2019 से अंडर परफॉर्म रहा, कई सारे स्टॉक्स तो फार्मा के सारे स्टॉक 2015 से ही अंडर परफॉर्म थे, लेकिन ये स्टॉक्स 2019 से अंडर परफॉर्म रहा, उससे पहले फ्लेट रहा, तो ये भी स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, ये भी स्टॉक्स काफ़ी न्यूज़ में रहा था, क्योंकि यहाँ से जो देखते हैं गिरावट आया था वहाँ से ये भी स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी पकड़ा था, लेकिन जब इसमें न्यूज़ आया कि कोरोना वायरस का कुछ मेडिसिन बना लिया तो वहाँ पर से तो और काफ़ी तेज़ी आया, एक दिन में ही ये स्टॉक में 40% का तेज़ी देखने मिला था, लेकिन ये जो 40% का तेज़ी आया था वहाँ से काफ़ी ये करेक्ट भी हो चुका है 15% अभी देख सकते हैं, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी इस स्टॉक में देखने मिला, इसमें फिर से तेज़ी आपको देखने मिल सकता है अगर फिर से कोई न्यूज़ आता है तो। ऐसे भी स्टॉक्स पैंडमिक में जो गिरावट आया था ये 139% का रिटर्न वहाँ से दे रहा है। मैक्सिमम ईयर में चार्ट की बात करते हैं तो इसका भी चार्ट काफ़ी बेहतरीन था, मतलब 2015 तक का चार्ट देखें तो सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज का स्टॉक्स का चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन 2015 से काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है। उसके बाद एक और बेहतरीन स्टॉक्स आप देखते हैं जुबिलेंट फूड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, इसका देख लीजिए पैंडमिक से 239% रिटर्न, इस स्टॉक पे कोई ध्यान ही नहीं देता है जुबिलेंट लाइफ साइंस पे, 239% का रिटर्न दिया है जहाँ से पैंडमिक आया था वहाँ के गिरावट से। मैक्सिमम ईयर का चार्ट भी देखिएगा तो 5 ईयर्स में तो कुछ खास स्टॉक्स ने नहीं किया है, लेकिन 5 ईयर्स में 2015 से अभी तक में भी 176% का रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक।
उसके बाद मैक्सिमम के चार्ट की बात करें तो मैक्सिमम ईयर में भी चार्ट अच्छा खासा है, 20,000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। तो 9 कंपनियां तो हमने आप बता दिया, 10वीं कंपनी जो 10th कंपनी है फार्मा सेक्टर से, जिसमें हमने टॉप 5 को छोड़ दिया है, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन, तो ये सब याद रखिएगा। इन सब चार पांच कंपनियों को, चार कंपनी बता दिया और एबेटो इंडिया, इन पांच कंपनियों को मैंने छोड़ दिया है। अब जो कंपनी है इसका चार्ट आप देख लीजिए, ये कंपनी पे कभी भी फार्मा सेक्टर के अंडर परफॉर्म रहने का आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। सनोफिया इंडिया लिमिटेड, स्टॉक का प्राइस काफ़ी हाई है, 7,771। तो जो भी फार्मा सेक्टर के महंगे स्टॉक्स है, एबेटो इंडिया हो, सनोफिया हो, इस तरह के स्टॉक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और ये स्टॉक्स लगातार नया पे नया हाई बनाते गया है। तो देख सकते हैं इन सब स्टॉक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 2002 से अभी तक का रिटर्न देखें तो 2,575% का रिटर्न भी काफ़ी बेहतरीन है। तो ऐसे बेहतरीन कंपनियाँ आपको 10 स्टॉक हमने आपको बताया और पांच जो फार्मा की कंपनी है टॉप उसको छोड़ दिया। फार्मा में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तो ये बेहतरीन स्टॉक है जो कि आपको 200%, 250%, 300% तक का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन स्टॉक आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पाँच अपने स्टॉक्स का पिक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके कि कौन से स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं अभी, ताकि वो पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पोजिशन अपना बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।